एटम्स एंड दूसरा चैप्टर शायद नहीं, मोर अबाउट मैटर प्योर इज मैटर अराउंड उसमें, अरे उसमें सॉल्यूशन पढ़ोगे, मोलालिटी मोलारिटी ये सब पढ़ाएंगे सर, वो सब तो आप इसी में पढ़ा दिए, सॉल्यूशन और वो सब आप इसी में पढ़ा दिए, किसमें पढ़ा दिया कहाँ पढ़ाए उसमें सर, अरे मोलालिटी उसमें, अरे बहुत पढ़ेंगे यार मोलालिटी मोलारिटी सर, उसमें सस्पेंशन और कोलाइडल भी है, सब है बहुत कुछ, आराम से पढ़ेंगे, काहे हवड़ा रहे हो, एंटर बॉन्ड चलो शुरू शुरू करते हैं अभी इवो परेशन, क्या शुरू करते हैं इवो परेशन, इवो परेशन क्या होता है मूर्खों बताओ, इवो परेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू गैसियस, लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग टेंपरेचर, सरफेस बिलो इट्स बॉइलिंग टेंपरेचर, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग इज अ सरफेस सरफेस मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज सरफेस मॉलिक्यूल्स, मैं बोल रहा हूं देखो, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू वेपर, चेंजेस टू वेपर, लिक्विड किसमें चेंज करे, वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट को वेपराइजेशन बोलते हैं, हां रुको तुम पहले, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी को क्या बोलते हैं बताइए, एज इवोपरेशन, इवोपरेशन समझे कि नहीं समझे, कैसा फेनोमेनन है बताइए, कैसा फेनोमेनन, सरफेस सरफेस फेनोमेनन, बस सरफेस सरफेस एस्केप फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन समझ रहे हैं, अब बताइए जो इवोपरेशन है वो कैसा प्रोसेस, इंडो की एक जो बोलो कैसा प्रोसेस, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक इट कॉजेस एंडोथर्मिक प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट, अरे एंडोथर्मिक प्रोसेस समझो क्या हो रहा है, समझो अच्छे से नहीं तो आएगा नहीं, समझो नाक निकालते रह जाओगे, सीन सुनो सब लोग देखो, जैसे मान लो हमने ये लिया है वाटर, ये क्या है वाटर, ठीक है मूर्खो बोलो दिस इज वाटर, इसका जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस का मॉलिक्यूल, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है समझ लो वो वेपर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वेपर में, वेपर ये गैस बन गया, ये गैस बन गया, ऐसे कहाँ चला गया बोलो, गैस गैस गैस, अब मुझे बताओ कभी भी लिक्विड गैस में जाएगा तो एनर्जी चाहिए होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी 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 या जो हीट चाहिए होगी हीट, उसको कौन लैटेंट बोलते हैं, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट में क्या डिफरेंस है सर, अरे हीट बहुत अंतर है, हीट का मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, किसी को एनर्जी ये दैट इज हीट, लेटेंट हीट वो हीट होता है जो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ, किसके लिए होता है, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज बट नॉट राइज इन टेम्परेचर, तो ध्यान दीजिए अब मुझे बताइए, तो अब मुझे बताइए इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आखिर ये जो वेपर है सर, ऊपर एनर्जी कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर सर, एटमॉस्फेयर से लेगा, वाले बल्ब एटमॉस्फेयर में जा रहा था, एटमॉस्फेयर से लेंगे, इससे बल्ब से, बल्ब से बगल है जो उसके अगल बगल है यहीं से ना जा रहा है, जहां से जाएंगे वहां से लेंगे कि जहां पहुंचे वहां लेंगे, बताओ लेंगे तब जहां से जाएगा वहां से जाएगा ना, जहां से जाएगा वहां से लेके जाएगा, किससे लेगा बताइए, वाटर से, किससे लेगा वाटर, वाटर से लेगा, समझे कि नहीं समझे, देखो अब जैसे पूरी बात को समझो, जैसे जो सरफेस वाला उसको वेपर में चले जाना है, बताए थे एनर्जी का, आज फिर समझाएंगे, फोर्स वोर्स कम होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता तो चला जाता है, चलो खैर अभी को छोड़ो, अभी ये समझो कि लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में चला जाएगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, इवेपोरेशन, ध्यान देना इवेपोरेशन, किसके बिलो होना चाहिए, किसके बिलो होना चाहिए बताओ, बिलो बॉइलिंग टेंपरेचर, बॉइलिंग
हाँ तो बात सुनो ना, तो मान लो जब लिक्विड वेपर में जाएगा तो भाई किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की वेपर की, किसकी एनर्जी ज्यादा है ना। हाँ देखो, वेपर लगातार मूव करता है, गैस मूव करता है, उसकी ज्यादा एनर्जी होती है, लिक्विड थोड़ा कम मूव करता है, कम होती है, सॉलिड की एनर्जी और प्लाज्मा की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन और खूब तेजी से मूव करते रहते हैं, समझ रहे हो बात को। देखो तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अब जैसे लिक्विड है उसको वेपर में जैसे हम है, हमको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, मान लो 100 एनर्जी चाहिए तो लेंगे तभी ना 100 बढ़ेगा, अपने आप थोड़े बढ़ जाएगा। बोलो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कहाँ से लेगा? वाटर से एब्जॉर्ब करेगा और फिर जाएगा पानी का, अगल बगल वाले को ले लेगा। समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो? आ रहा बात समझ में? समझ रहा है। ये सब चोर होता है, चोर 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 है, पैसा चुराया और जाके क्या किया? एनर्जी चुरा लिया सर। हाँ तो एनर्जी चुरा लिया, यही हाल चाल है। तो मुझे बताओ, अब इस वजह से जब एनर्जी चला जाएगा तो पानी जो नीचे वाटर है, वाटर का क्या होगा? एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा बताओ? कूल हो जाएगा, ऐसा मतलब एनर्जी कम हो जाएगा, घट जाएगा सर, कूल हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो वाटर क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा बताइए? कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा सर। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। इवोपरेशन से पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है? बोलो, ठंडा ठंडा होता है, ठंडा होता है, ठंडा। तो यही कॉन्सेप्ट अर्दन पॉट में मटके में, अरे चलो हम, अरे अर्दन पॉट में बढ़ा लिखो यार, अरे लिखो इसको कि कूलिंग हो जाती है, फिर तुमको समझा। हाँ तुम भी उसी में से हो, चलो लिखो इधर, वाटर कूलर, देखो वाटर कूल, देखो वाटर कूल। रुद्र प्रताप बोलो मत जा रहा तुम, चलो लिखो जल्दी से। यस सर। वाटर ठंडा हो जाता है, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो तो हम आगे मिटाए के चले यार। एक महीना ब्याह हो रहा है, माथा खराब की, सुबह से गाना बजा बजा के बजा बजा के कान दर्द हो गया। कोरोना में सर नॉर्मल से भी ज्यादा सर हो रहा है आजकल। अरे तो कोरोना इसीलिए तो मर रहे हैं सर, मरने के लिए सरकार खाली हो जाएगा, दूसरे बीमारी से जो मर रहे उनका नहीं दिखा। हाँ तो अरे कोरोना सबको हो जा रहा है ना, कौन बीमारी हो कोरोना जरूर रहेगा सर। ऐसा करना चाहिए था सर कि 3-4 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए था सब, लेकिन सब अभी करेंगे। आप वैक्सीनेट हो गए हैं? हम तो ले लिए भाई सर, दोनों डोज, दोनों डोज सर, दोनों डोज, दोनों डोज। 3 अप्रैल को ही मैं ले लिया था, मैंने थर्ड अप्रैल को लिया था। दोनों डोज ले लिए, दोनों डोज पहला लिया जी, दोनों कैसे लेंगे अब? दूसरा 26 जून को लेना, 3 महीने बाद हो पाएगा, 84 दिन, 2 महीने के बाद, 84 दिन, 1 महीने बाद, 84 दिन हो गया है, अब हो गया है 84 डेज, 3 महीने के बाद। मैंने 3 को लिया था, 3 महीना हो गया है, 26 जून, चलो 84 डेज के बाद 3 महीना। ध्यान दो, चलो देखो समझो तुम लोग है ना, बात करते हैं कैसे हो रहा है। तो इवोपरेशन ये है ना, अब ध्यान दीजिए, जैसे आप कूलर की बात कीजिए, कूलर में पानी ठंडा, कूलर देखो कूलर का जो पानी होता है, पानी अंदर अंदर वो बहुत ठंडा होता है, पता है नहीं तुम लोगों को? या कूलर वही तो फेंकता है, यस सर वही तो, इसीलिए मेरी बात समझिए, जैसे कूलर आपके घर पे है तो आप जैसे तुरंत कूलर में नॉर्मल पानी भरिए तो ठंडा नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ी देर चल जाएगा 10-15 मिनट तो ज्यादा कोई ऑपरेशन से ठंडा हो जाता तो और ठंडा करता है। देखिए होता क्या है, देखो होता क्या है, बात को समझो है ना, जैसे कूलर में जाली होती है, जाली से कौन पास करता है लगातार, जाली से कौन पास करता है? बहुत खराब सर आ रहा है वीडियो क्वालिटी, सही है सर, क्लियर है, फोकस थोड़ा हट गया था इसलिए ऐसा हो, इससे एयर होता है, एयर पास करता है, इससे लगातार कौन ऐसे ऐसे फ्लो करता रहता है बताओ? इससे पानी, वाटर, नेटवर्क होता है, वर्क करता है,
मैं बता तो रहा हूँ कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, समझो बात को। यस सर। कर रहा वाटर, अब मुझे बताओ जब एयर फ्लो होगा और वाटर ऐसे ऐसे आ रहा है तो एयर जो है वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा कि छोड़ के देगा, बोलो? एयर वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके चल देता है। तो मुझे बताइए जब वाटर का मॉलिक्यूल एयर के साथ चल दिया, इधर H2O गैस बन गया, जो H2O लिक्विड था H2O गैस बन गया, तो बताइए कौन सा फिनोमेनन शुरू हो गया, बताइए? इवेपोरेशन। समझ लो यहाँ वाटर है, देखो यहाँ H2O है, H2O लिक्विड है। अब मुझे बताइए ये जो है जब ये वेपर में जाएगा ये गैस, तो किसकी एनर्जी लेगा, बताइए? एनर्जी किससे लेगा? ऊपर जाके नीचे आ रहा है, यही ऊपर जाके नीचे आता है। जो मान लो जैसे ये वाला गया, इसकी एनर्जी ले लिया, किसकी एनर्जी ले लिया, इसकी, इसकी ले लिया, नीचे चला गया, छोड़ जाता आपने लेके चला गया। नीचे वाले में देखो लिक्विड लिखे हैं जी, एल एल लिक्विड। अब यहाँ देखो बात समझो, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है गैस में, ये मान लो H2O गैस बन गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला बताओ किसकी एनर्जी लेगा, ये बगल वाले की, इसकी और सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया और चला गया, तो ठंडा हो गया ना। तो बताइए धीरे, अब यही पानी नीचे आ रहा तो भाई गया, ठंडा होकर नीचे आ रहा, लगातार ठंडा होता जा रहा पानी नीचे आके, बताइए टेम्परेचर घट गया कि बढ़ जाएगा? बताइए जब जब टेम्परेचर घट गया तो पहले जो हवा था कैसे पानी के टच में था, नॉर्मल पानी, अब तब कैसे पानी के टच में होकर हवा निकल रहा है, बताइए? ऐसा पानी हो गया, बताइए? इसीलिए जो इधर पानी जाओ, अब जो इधर एयर आता है कैसा, इधर से मान लो हॉट एयर है, ये हॉट एयर, ठंडा हॉट एयर, लेकिन जब बाहर निकलता तो कैसा निकलता, कूल कर कूल हो जाता है सर, कूल वाटर कूल एयर, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कूलर कहते हैं, एकदम सर एकदम समझ गए, समझे? यही है। तो कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फिर से शॉर्ट में बताइए, सरफेस फेनोमेनन, इवेपोरेशन, समझ गए? शॉर्ट में एक बार फिर से बता दीजिए, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है? देखो जब भी कोई भी लिक्विड, देखो जब लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कूलर में ऐसे पानी गिरता रहता है, गिरता ना पानी ऐसे ऐसे, बोलो, जाली से यार, और ऐसे एयर पास होता है, और उसमें घास जो है उससे घास से क्या होता है, घास से अपना एयर भी पास होता है, जो फैन चलता है एयर को खींचता है और बाहर फेंकता है, समझ रहे? तो एयर भी पार हो रहा है। अब बताइए, हाँ तो बताइए, अब जो एयर पार हो रहा है ऐसे, अब जो एयर ऐसे निकल रहा है, समझिए बात को, जो एयर ऐसे जा रहा है बीच में वाटर से टकराएगा तो वाटर को क्या करेगा, छोड़ेगा कि लेके चल देगा, बताइए? लेके चल देगा ना। तो जैसे मानिए आप समझिए, यहाँ H2O लिक्विड है, एयर से टकरा गया तो गैस में चेंज हो गया ना, बोलो? यस सर, यस सर, बोलो। जो बचा लिक्विड है वो कूल हो जाएगा। तो अब बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम लिक्विड से गैस में जाएंगे तो हमें हीट चाहिए, कौन सी हीट बताओ रुद्र प्रताप सिंह, कौन सा? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेगा किससे? जैसे मान लो इसको गैस में जाना है तो किससे एनर्जी लेकर जाएगा, अगल बगल वाले, अगल बगल वाटर मॉलिक्यूल, पड़ोसी, हाँ पड़ोसी। अब बताइए पड़ोसी गर्म कि ठंडा हो गया, उनकी एनर्जी लेकर चल ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तीन दो जा रहे हैं, तीन दो जा रहे हैं घूमने, और एक दो ने पैकेट में से पैकेट पैसा निकाल के भाग गया, तो दो दोस्त क्या रहेंगे उस समय, गर्म की ठंडे हो जाएंगे, एकदम से गर्म हो जाएंगे, गर्म क्या होंगे, गर्म क्या होंगे, ठंडा, पैसा ले गए, तीन लोग जा रहे हैं सिनेमा देखने, पैसा लेके भाग गया, अब मुंह बना के बैठे हुए हैं, छोड़ जाता कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान दो, समझे सर? अरे सुनो यार, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, हट सुनो पहले, ठंडा हो गया ये, और ठंडा जब हो गया तो अल्टीमेटली यही पानी नीचे आ रहा है ना, ठंडा हो गया रहा, ऊपर से ठंडा होते होते आते जाएगा, ठंडा होते आएगा, तो पानी गर्म की ठंडा, बहुत ठंडा हो जाएगा सर, बहुत ठंडा हो गया, ठंडा
समझो टेम्परेचर घट, इधर से घट के आ रहा है, इधर से गया हीट लेके जा रहा है उसका यार, धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो बताइए शुरू में जो था आपका पानी था, जैसे शुरुआत आप कूलर रखे तो वो ठंडा हवा नहीं देता, तो 4-10 मिनट के बाद ठंडा होता है, पहले वो वाटर ठंडा होगा उसके बाद ठंडा हवा आएगा। तो अब ध्यान दो, अब हवा जो पहले हॉट एयर है अब किसके टच में आ रहा है बताइए, धीरे धीरे टेम्परेचर घट गया तो किसके टच में आ रहा है बताओ, हॉट एयर की कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर निकलेगा। जैसे तुम ये भी कर सकते हो, तुम कूलर में गर्म पानी डाल दो, गर्म पानी समझ रहा हो, कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, इवोपरेशन इसी को बोलते हैं इवोपरेशन, ठीक है। अब बताइए, हाँ कोई बच्चा बीच में, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहे हो बताओ यार, बताओ यार, बताओ 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 क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ बोलो ना तो रुद्र, पूछे थे कि सर ये जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी को अगर हम लोग कुछ देर तक छोड़ देंगे तो सर जैसा भी प्रोसेस बता रहे सर वही होगा क्या, दूसरा ही होगा, तो मतलब कि थोड़ी देर बाद उसे देखेंगे तो ऑपरेशन मतलब पानी निकलेगा, सर चुहेगा उससे, मतलब साफ साफ बताओ थोड़ा, जैसे तुम्हारा जैसे होता रहेगा ना लगातार पानी ठंडा होता चला जाएगा, ऐसा थोड़ी सर ठंडा पानी पहले से ही है, हाँ पहले से ठंडा पानी है तो शुरू में ठंडा ठंडा हवा आएगा और ठंडा हो जाएगा, पहले ठंडा और ठंडा हो जाएगा, पहले ठंडा तो और ठंडा हो जाएगा, अब एकदम पानी डाल दिया तब का होगा, कुछ नहीं होगा तब का होगा, है ना, एक लेवल होता है ना। देखो मैं क्यों ऐसा होता है मैं बता रहा हूँ, देखो जब जब अभी तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, देखो फैक्टर्स अफेक्ट में जब इवोपरेशन पे जाऊंगा तभी तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लिख लो फैक्टर्स अफेक्ट इवोपरेशन, देखो फैक्टर्स अफेक्ट इवोपरेशन, सरफेस, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले मुझे बताओ अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो धीरे धीरे होगा कि तेजी से होगा बताओ, तुम तो पहला फैक्टर लिख लो टेम्परेचर, इसमें क्या लिखोगे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दे इवोपरेशन, यस सर, यस सर, इसका मतलब समझते हो डायरेक्टली सर, नहीं सकते बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, लिखो तब, देखो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, मोर टेम्परेचर मोर इवेपोरेशन, लिखो चुपचाप की सही तो है, क्या दिक्कत है, लिखो लिखो मोर टेम्परेचर, वैल्यू नहीं सेम आएगी ना, प्रोपोर्शनल मतलब वैल्यू थोड़े सेम आता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, बस समझ गया, आया कि नहीं आया, पहला फैक्टर आ गया, अरे पहला फैक्टर आया सरफेस एरिया, तीसरा रुको यार, अब रुको मुझे बताओ जैसे बाल्टी का पानी अगर हम रख के छोड़ देंगे रूम में तो दिन भर नहीं खत्म होगा, लेकिन बाल्टी को पानी को कूलर में डाल के कूलर चला देंगे तो पानी रहेगा कूलर में, खत्म हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, क्यों क्यों सरफेस एरिया, विंड स्पीड है सर, वो परफेक्ट फेनोमेना सरफेस के चलते, देखो यार विंड स्पीड सर, हवा आ रही है तेज स्पीड सर, हवा जो लगा हवा आ रही है, हवा जो है उसको लेके जा रहा है, विंड स्पीड जा रहा है, ये वाटर हवा तेजी से जा रहा है, पार हो रहा है, उसको इवेपोरेट करते जा रहा है, समझ रहे हो बोलो, हाँ समझ रहे हो, बाल्टी में कूलर चलता है बाहर से ठंडी हवा चलने लगे तो, देखो बाल्टी में सुनो, देखो बाल्टी सुनो यार, मैं बता रहा हूँ सब तुम्हारे रुद्र हर सवाल का जवाब मिलेगा, कूलर कब यूज करना आप समझ जाओगे, देखो अगर बाल्टी का पानी रखोगे तो बाल्टी में हवा नहीं ना ऐसे लगेगा लगातार, तो कितना रूम में हवा उतना ही ना लगेगा, लेकिन हवा तुम जबरदस्ती खींच रहे हो, खींच रहा है हवा, यहाँ तो कूलर जबरदस्ती फैन चला रहा है ना, जबरदस्ती हवा खींच रहा है, तेज स्पीड से हवा निकल रहा है ना, तो सीधी बात है, बताइए विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, विंड स्पीड पे अगर हवा तेज चलेगा तो इवेपोरेशन धीरे धीरे चलेगा, सरफेस एरिया पे जल्दी, जैसे मुझे बताइए रुद्र समझो इधर बात को, ये है, ये समझो, ये जो है ये थर्मस में पानी को रख दो, एग्जांपल दे, रख दो पंखा के सामने,
सर एग्जांपल दे, हाँ सर सर एग्जांपल दे, सर दे रहे हैं ना हम, देखो इस 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 थर्मस में पानी को रख दो, इसी पानी को फ्लोर पे फैला दो, रहेगा कि उड़ जाएगा? फ्लोर पे उड़ जाएगा। क्यों? कई बार तो देखो, अब देखो जैसे बात समझे, जैसे पानी अभी है तो कल इतना ही जगह है ना, तो इतना ही जगह से उड़ेगा ना। अब इसी को बड़ा कंटेनर में रख दिए, अब बताइए कितना जगह उड़ने के लिए, रुद्र बताओ इतना जगह उड़ने के लिए बहुत जगह हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ेगा, तो तीसरा फैक्टर क्या लिखेंगे, तीसरा फैक्टर क्या लिखेंगे बताओ? सरफेस एरिया। देखो मैं उधर डायरेक्ट लिख दिया, प्रोपोर्शनल कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? सरफेस एरिया मतलब मोर सरफेस एरिया मोर, समझ गए बच्चों? तुम लोग मत करना, लिख कर ना बारी बारी, समझे कि नहीं समझे? अब चौथा समझो। रुको अभी यार, अभी चौथा पांचवा ह्यूमिडिटी है, चौथा बात करते हैं नेचर का, नेचर अभी ह्यूमिडिटी पहले बता देते हैं, ह्यूमिडिटी बता देते हैं चौथा। अब जब ह्यूमिडिटी की बात करोगे, ह्यूमिडिटी तो यहाँ इनवर्सली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनवर्सली, मतलब वन बाई, लिख लो वन बाई हो पड़े, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हाँ, तो लुकिए मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ ह्यूमिडिटी क्या है, लिख दूंगा बाद में, पहले समझा देता हूँ, समझो बात को ना, क्लियर समझो। देखो रुद्र बात को समझो, जैसे रुद्र जैसे कूलर को कमरे में लगा दिए, कहाँ लगा दिए? कमरे में, ये कमरा हो गया, क्या हो गया? कमरे के बाहर है सर, कमरे में, कमरे में है, कमरा में है, या कमरा में हवा आ रहा लगातार कूलर से लेकर? यस सर। तो बताओ एयर का कोल्ड एयर आएगा कि कोल्ड एयर के साथ H2O गैस भी आएगा, बोलो? H2O गैस कमरे में, कूलर है, कमरे के बाहर नहीं है, दोनों ऐसे करेगा, आना क्या चाहिए? भाई कोल्ड एयर है, बोलो? यस सर। बोलो रुद्र। अब बताओ, तो पहले कमरा में एयर आ रहा है H2O, धीरे धीरे कमरा में H2O गैस भर गया, तो यही H2O गैस इधर भी सर, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, सर हवा में नमी आ रही है, कपड़ा कभी तो ऐसे एग्जांपल जैसे गीला कपड़ा है बाहर जल्दी सूख गया, कमरे में पंखा चलता है धीरे, चुप रहो तुम, पहले जब मेरी बात सुनो, इधर तो H2O गैस आ रहा है, H2O गैस धीरे धीरे कमरे में भर गया, H2O गैस एयर भी है, देखो पहले आपके पास सिर्फ एयर था, अब आपके पास कौन है? एयर H2O गैस, अब बताइए, जब H2O गैस इधर है और जब इधर से जब एयर जाएगा कि अब एयर के साथ H2O गैस भी जाएगा, बोलिए? दोनों जाएगा, तो जब H2O गैस, जब ऑलरेडी H2O गैस जा रहा, तो H2O गैस को बनाने का जरूरत की नो जरूरत, बोलिए? नहीं, इधर से H2O गैस गया, इधर भी H2O गैस है, तो जो जा रहा वही ना बन रहा है? यस सर। बोलो तो मिला जुला के बताओ, मिला जुला के बताओ, अब बताओ, अब जो है जब H2O गैस जाएगा, H2O गैस जाएगा तब कूलिंग होगा कि नहीं होगा? बोलो नहीं होगा। रुक जाएगा, तो कूलिंग बंद हो गया, मतलब मिला जुला की वो ऑपरेशन, तो मिला जुला की वो ऑपरेशन घट गया कि बढ़ गया? बोलो घट गया। अब देखो, तो हम लोग देखो कूलर को कैसे रखते हैं, तो बात को समझो, अगर कूलर को तुम कमरे के अंदर रखो, समझो रूर अच्छे से, कमरे के अंदर रखे हो, तो H2O गैस कमरे में भर जाएगा, वही H2O गैस कूलर में जाएगा, वही बाहर निकलेगा, वही जा रहा वही बाहर निकल रहा, तो फायदा कि नो फायदा? खिड़की से इसीलिए बाहर रखा जाता है, इसीलिए कूलर को हम कमरे के अंदर की कमरे के बाहर रखते हैं, कमरे के बाहर। हाँ सर, अगर सर बारिश हो रहा है तो उसमें
सर मतलब सर वाइब्रेशन बढ़ेगा घटेगा? तुम बारिश में कहाँ से चले गए? बारिश बारिश से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से मतलब होगा। अरे कहा बारिश में लोग पहुंच जा रहे हैं, बारिश बारिश से क्या, बारिश होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन कम होगा, सीधी बात है, ऐसे होगा ना। अब जाड़ा में चलाएंगे कूलर तो ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर फैक्टर है, बारिश से नहीं मतलब, बारिश इज नॉट अ फैक्टर। अब यहाँ समझो, अब देखो कूलर खिड़की के बाहर है और अंदर H2O गैस है, समझ लो। तो बताइए अब इसको रोकेगा कोई कि नहीं रोकेगा? इसके पास सिर्फ कौन आ रहा है बताइए? H2O गैस, एयर, 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 लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन मान लीजिए कमरा हमारा बंद है, कमरा हमारा बंद है तो कमरे में कौन भर गया बहुत ज्यादा बताइए? कौन बहुत ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया H2O गैस, बहुत ज्यादा हो गया ना। तो ये तो जानते होगे कि अगर अगर ये तो पढ़े होगे कि अगर किसी भी चीज का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो फिर आपका H2O गैस जो खिड़की आपकी खुली है उस खिड़की से किधर जाना शुरू कर देगा? कूलर में किधर जाना शुरू करेगा? कूलर में, कूलर में समझे? उल्टा उल्टा। अब देखिए यहाँ कमरा में आपका भर गया गैस और जगह है नहीं जाने का और कूलर में है नहीं, तो कूलरे में जाना शुरू कर देगा, यानी मिला जुला के अलग बात की वही बात, वही बात समझो, अलग बात है, फिर नहीं समझ पा। देखो अगर कूलर को तुमने पूरे कमरे में बंद कर दिया था तब तो हम बता ही दिए कि यही हवा इधर आ जा रहा है, दिक्कत हो रही है। बट मान लो कूलर तुम्हारा कमरे के बाहर है, खिड़की पे है, लेकिन पूरा कमरा तुम्हारा पैक है, पूरा कमरा पैक है, तो यहाँ H2O गैस खूब सारा बन जाएगा धीरे धीरे। जब कमरे में H2O गैस खूब सारा बन जाएगा तो ये यहाँ H2O गैस ज्यादा हो गया तो ये खिड़की से किधर जाएगा? क्योंकि ये रूल होता है बाहर कूलर में जाने का, हमेशा रूल किधर होता है, कैसे फ्लो होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, गर्म कर देगा पानी को? नहीं, फिर वही हो गया ना, जब यहाँ ऑलरेडी सुनो, अब ऑलरेडी जब H2O गैस इधर पहुंच गया तो फर्दर H2O गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बोलो, H2O गैस इधर पहुंच गया तो इवेपोरेशन होगा कि स्टॉप हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब तो ऑलरेडी H2O गैस हो गया तो वही बाहर जाएगा, वही अंदर आएगा, वही बाहर जाएगा, वही अंदर आएगा, फर्दर नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? वही एक्सचेंज होता रहेगा, वही एक्सचेंज होता रहेगा इधर उधर। इसीलिए रुद्र बाबू जब हम कूलर लगाते हैं तो एक खिड़की मत खोलिए, साथ में एक खिड़की और खोलिए, एक खिड़की क्या डबल वाली खिड़की दोनों साइड से क्या सर? इससे क्या फायदा होगा बताइए? क्या फायदा होगा बताइए बताइए बताइए? ह्यूमिडिटी कम रहेगी सर, ज्यादा नहीं रहेगा कमरे में, H2O कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब देखो इधर से H2O गैस इधर से भाग गया, इधर से बना, इधर से भाग गया, गया। तो बताइए अब इवेपोरेशन रुकेगा कि लगातार चलता रहेगा? हम लोग ध्यान रखिए, तो अब अगर कूलर लगाना है तो कै खिड़की खोलना है? कूलर के सामने वाला, सामने वाला दोनों खिड़की या दरवाजा खोल दीजिए तभी कूलर काम करेगा, नहीं तो कूलर काम नहीं करेगा। बाहर लगा दो, समझ गए? हाँ बाहर भी लगा दो, दरवाजा भी खोल दो, खोलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ह्यूमिडिटी समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे अफेक्ट कर रहा है बोलो? ह्यूमिडिटी यही होता है, ह्यूमिडिटी यही होता है, लिख लो ह्यूमिडिटी, लिख लो अमाउंट ऑफ, लिख लो ह्यूमिडिटी, लिख लो अमाउंट ऑफ वेपर इन, लिख लो ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर, लिख लो यही ह्यूमिडिटी होता है, कितना एयर या कितना वेपर मौजूद है एयर में एटमोस्फियर, लिख लो ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर लिख लो, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो बच्चे समझ गया? जी सर समझ गए।
नहीं सर। किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ना यार मत करो, छोड़ो यार, तुम लोग ऐसे भी, तुम लोग का कोर्स बहुत पीछे आगे चल रहा है, बहुत आगे कोर्स है तुम लोग का। कुछ जो नए नए एडमिशन ले रहे हैं बहुत पढ़ाएगा उसको, नए नए बच्चे जो एडमिशन जिनका कोर्स छूट रहा है बहुत दिक्कत होगा, फिर सब पढ़ा दूंगा। चलो देखो इधर, एक चैप्टर तो सब में हो गया। देखो इधर अगला, देखो यार लास्ट फैक्टर लिखो, लास्ट फैक्टर लिखो, अनिमेश शुक्ला लास्ट फैक्टर लिखो। भाग गया क्या आज हूँ? देखो कौन कोचिंग का है, चक्कर में पड़ा हूँ। नेचर सर, उसका दूसरे को क्लास चालू हो गया होगा। नहीं सर, उसका नेचर रेट बहुत चला गया। हां चला गया, ये है बहुत ज्यादा खराब है आज सर, उसका इंटरनेट खराब है। लिखो नेचर ऑफ सर, मजाक कर रहे हैं। नेचर ऑफ लिक्विड के बाद इवेपोरेशन की कैसा प्रपोजल है? अरे नेचर ऑफ लिक्विड लिखो, इवेपोरेशन नहीं, लाकार्टिक फैक्टर लिखो। नेचर ऑफ लिक्विड, सर नेचर ऑफ लिक्विड मतलब विस्कस की वोलेटाइल, ये मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, वोलेटाइल सर कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो जल्दी इवेपोरेशन। अरे सुन ए यार, तुम लोग को कुछ आता नहीं तो बोलता क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब मैं कह रहा हूँ इफ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स less evaporation. जैसे अब मैं बताऊंगा आपको कैसे नेचर पे डिपेंड करता है, अब यह बता दे रहा हूं। जैसे समझिए, मान लीजिए हम H2O की बात करते हैं। अब H2O के मॉलिक्यूल के बीच में अगर मजबूत फोर्स है, ये मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूं, अगर यहां स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये हवा में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए। नहीं जाएगा। तो क्या होगा बताइए? लेस इवेपोरेशन। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या होगा सर? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, फोर्स दिखा रहा हूँ, यही मैं देखो मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ मॉलिक्यूल। अच्छा सर, फिर पानी होल्डर, अरे पानी में हाइट बताएंगे अभी, इंटरमोलिकुलर फोर्स किस किस टाइप का होता है, कुछ बच्चे पूछ रहे सब बताएंगे तुम लोग को, समझ लो है ना? समझे कि नहीं समझे बोलो? अब देखो, अगर वीक फोर्स रहेगा तब, वीक फोर्स रहेगा तो जल्दी तो बताओ, तो रुद्र मुझे बताओ, अगर मान लो बाकी बच्चे बताओ, अगर मान लो हमारे पास H2O रहे, एक कंटेनर में H2O रख दो पानी, यस सर, और दूसरे में रख दो पेट्रोल, दूसरे में क्या रख दो? पेट्रोल। पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होगा, पेट्रोल उसका डेंसिटी वाटर से कम है। डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी के बीच में ला दे, डेंसिटी अलग चीज है यार, कम होगा तो फोर्स भी हो जाएगा। यहाँ बताओ, ये इजिली इवेपोरेट होगा, इजिली इवेपोरेट मतलब क्या क्या ज्यादा बताओ? इजिली इवेपोरेट मतलब यहाँ कैसा फोर्स? सर बस 4 मिनट बचा है, रिजॉइन करना है? नहीं यार, नहीं करना। हाँ चलो लिखो, इजिली इवेपोरेट। सुनो, कल 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी नए बच्चों का, ध्यान देना, कल 12 बजे नए बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास है। और 12 बजे नहीं, 12:30 बजे, 12:30। कल रिव्यू टेस्ट में सर जी, कल रिव्यू टेस्ट में क्या आएगा? कल रिव्यू टेस्ट कंपलसरी है, दे दो, कुछ नहीं रहेगा। अरे रिव्यू टेस्ट यही रहेगा कि रुद्र का स्पेलिंग क्या होता है, रुद्र किससे शुरू होता है, ए से कि बी से कि आर से, किस चीज से ही देंगे। रिव्यू टेस्ट में केवल 9th का सिलेबस रहता है, एनसीईआरटी का सब आसान, लड्डू लड्डू सब। जो मैं अपना टेस्ट लूंगा वो अच्छा होगा, समझना, चलिए ध्यान दीजिए। मेरी बात सुनिए, 12:30 बजे सुनो, कल 12:30 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास किसके लिए? एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों के लिए,
न्यू वर्ष और सर 10 बजे वाला क्लास और 11 बजे से 11 एएम से हमारी एनएसओ वाली क्लास है। इसकी आखिरी लेक्चर है। एनएसओ वाला पेपर कब होगा सर? वो एनएसओ वाला पेपर 6 तारीख को या तो 13 परसों ना या तो नहीं 6 या तो 13 या तो 6 या तो 13 क्योंकि संडे पड़ेगा ना। ठगो संडे पड़ेगा समझ गए। 13 या तो 6 या तो 13 अगर 10 है ना। दे ध्यान दो 11 बजे से एनएसओ का आखिरी क्लास है इक्विवेलेंट का। उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट। आखिरी क्लास इक्विवेलेंट सर वीडियो के अंदर से ही सारा क्वेश्चन रहेगा ना। हां भाई ये क्या बात होती है। वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो सब बन जाएगा। मतलब सर न्यूमेरिकल छोड़ा के कांसेप्ट वही रहेगा ना। हां हां वही रहेगा। तो ऐसा है कि कल सब लोग 11 बजे YouTube लाइव आओगे। मेरी बात सुनो 11 बजे सब लोग YouTube लाइव आओगे। जिनका छूट गया है किसी वजह से, देखो जिस बच्चे का पहला लेक्चर छूट गया पहला लेक्चर देख लेना इक्विवेलेंट 1 के नाम से, तब दूसरा कराना दिक्कत होगी। पहला आज रात को देख लो और फिर कल 11 बजे YouTube लाइव 1 घंटा रहेगा बस। 11 से 12 साढ़े 12 से एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी केमिस्ट्री की होगी। समझ गए नहीं समझे? समझ गए सर। तो अब बताओ इजिली इवोपरेट मतलब कैसा? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वीक फोर्स? वीक फोर्स वीक फोर्स वीक फोर्स वीक फोर्स वीक फोर्स। तो मुझे बताइए अगर आपसे कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स या नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वो परेशान को अफेक्ट करता, तो समझ गया कि नहीं समझे? अगली बार तो सुनिए, अगली बार आऊंगा तो आपको जो एडीसी फोर्स को एसी फोर्स जितना सब तमाशा पढ़ते हैं बाजी से झूठ सच बच्चे है ना, आधा गलती आधा सही समझ रहे कुछ हमसे पूछे भी कहाँ कहाँ से पानी के हाथ लगा देंगे तो टूट टूट क्यों जाएगा पानी, फिर आपस जुड़ जाता है तो जो सरफेस उसका उल्टा पुलटा आधा बताता है तो उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म भी आने वाले का आपको आपसे मैं समझा दूंगा आपको ना। उसके बाद आपको टाइप ऑफ फोर्स बता देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह उसके बाद आपको बता देंगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? बोलो सर वेकेशन के बाद ही ना होगा क्लास। सर वेकेशन कब है? वेकेशन भी होता है क्या? वेकेशन नहीं होता, हमको नहीं पता। अनुराग सर से बात करना है तो ठीक है सर। ऑनलाइन में शायद नहीं होगा।